ऋषभ गाड़ी चलाते हुए अंतरा से बात कर रहा था। उसके पीछे पुलिस आ रही थी, ये जानकर अंतरा घबरा गई। ऋषभ, मेरी बात मानो, जल्दी से फोन रख दो। तुम्हें पता है ये खतरनाक साबित हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले ऋषभ ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी तुम मुझसे प्यार तो नहीं करोगी ना। ऋषभ के ये कहने के अगले ही सेकंड एक धमाके की आवाज सुनाई दी और फोन कट गया। अंतरा को बहुत फिक्र होने लगी। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल बैक किया पर कॉल लगा नहीं। उसने 3-4 बार कोशिश की पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अंतरा पैनिक करने लग गई और वार्ड की तरफ दौड़ी। दरवाजे से ही वो बोलते हुए अंदर गई, विक्रांत, वो ऋषभ मुसीबत में है। हालांकि अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां विक्रांत और तन्वी नहीं थे, सिर्फ मिस्टर शैडो बेड पर लेटा हुआ था। अंतरा को इतना पैनिक देखकर मिस्टर शैडो को भी थोड़ी हैरानी हुई। अंतरा ने पूछा, विक्रांत कहां चले गए? मिस्टर शैडो ने अपनी हथेली खोलकर 5 उंगलियां दिखाई। इसका मतलब था कि वो 5 मिनट पहले ही निकल गए। अंतरा मन ही मन चिढ़ गई कि विक्रांत को इसी वक्त निकलना था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मिस्टर शैडो से पूछा, आपके पास विक्रांत का नंबर तो होगा ना? मिस्टर शैडो ने ना में सर हिलाया। अंतरा को याद आया कि सबसे पहली बार जब नर्स ने उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया तब बताया था कि मिस्टर शैडो के फोन में सिर्फ अंतरा का ही नंबर था, इसलिए नर्स ने उसे कॉल किया था। पर ऋषभ किस हाल में है ये पता नहीं था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में अब किसे बताए। उसे परेशानी में देखकर मिस्टर शैडो को आखिर बोलना पड़ा, क्या हुआ अंतरा? अंतरा ने बताया, अभी अभी ऋषभ का मुझे कॉल आया था, पुलिस उसका पीछा कर रही थी और फिर अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी और फोन कट गया। उसके बाद ऋषभ का फोन ही नहीं लग रहा। मुझे डर है कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी फैमिली को कैसे इन्फॉर्म करूं। ये कहते हुए अंतरा ने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आप अभी बोले क्यों? डॉक्टर ने आपको मना किया है ना? मिस्टर शैडो अपने बेड से नीचे उतरा और अंतरा का हाथ पकड़ लिया। अब इमरजेंसी है तो बोलना पड़ेगा ना, चलो मैं तुम्हें ऋषभ के पास लेकर चलता हूं। ये कहते हुए वो अंतरा को बाहर ले गया और पार्किंग में जाकर अंतरा को गाड़ी में बैठा दिया। अंतरा ने मना किया, पर आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, मिस्टर शैडो ने कह दिया। अंतरा, जिस तरह तुम्हें मेरी परवाह है ठीक वैसे ही मुझे भी तुम्हारी परवाह है। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मिस्टर शैडो ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकाली। उसके बाद अंतरा ने कहा, डेविड को कॉल करो, उसे बोलो कि विक्रांत को कॉन्टैक्ट करके ऋषभ के बारे में बताए। अंतरा ने बिना वक्त गवाए डेविड को फोन करके सब बता दिया। 15 मिनट बाद डेविड का कॉल आया। अंतरा ने फोन उठाकर स्पीकर पर डाला। सामने से डेविड ने कहा, मैडम पता चल गया है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ऋषभ की गाड़ी ने टोटल 7 गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट किया है। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और 7 लोग घायल हैं। ये सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने पूछा, और ऋषभ? डेविड ने बताया, ऋषभ के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं, मैं पता लगा रहा हूँ। मिस्टर शैडो ने पूछा, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एग्जैक्टली कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? डेविड ने जवाब में बताया, थाने और मुलुंद के बीच। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डेविड ने फिर से कहा, मैडम मिस्टर ग्रोवर से भी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप बॉस का ध्यान रखो, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। मिस्टर शैडो ने अंतरा के हाथ से फोन ले लिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है डेविड, हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और एक्सीडेंट साइट की तरफ आ रहे हैं। डेविड ने कहा, लेकिन बॉस आपको आराम। मिस्टर शैडो ने फोन काट कर अंतरा को दे दिया और उससे कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अंतरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ को उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था, खासकर उसकी ड्राइविंग, इसीलिए उसके सुधीर मामा कभी ऋषभ की गाड़ी में नहीं बैठते थे।
ऋषभ नॉर्मल मूड में इस तरह गाड़ी चलाता था और आज तो वो गुस्से में था। ये एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। बाकी लोगों की ये हालत थी तो ऋषभ किस हाल में होगा? इसके आगे सोचने की अंतरा की हिम्मत नहीं हुई। एक्सीडेंट वाली जगह मिस्टर शैडो के हॉस्पिटल से बहुत दूर थी। ट्रैफिक की वजह से वहां पर पहुंचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे। अंतरा को बहुत फिक्र हो रही थी। वो बड़बड़ाने लगी, अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो मैं उसके परिवार को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या करूं? मिस्टर शैडो ने अंतरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। घबराओ मत अंतरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतरा ने अपना हाथ खींच लिया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर कहा, अगर ऋषभ मर गया तो क्या आप उसे वापस जिंदा कर पाओगे? इस सवाल पर मिस्टर शैडो कोई जवाब नहीं दे पाया। गाड़ी में एक लंबी खामोशी छा गई। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो को भी इस बात का डर सता रहा था। कुछ देर बाद फिर अंतरा का फोन बजा। उसने तुरंत उठाया। विक्रांत, ऋषभ के बारे में कुछ पता चला? विक्रांत ने उसे दिलासा दिया, डरने की कोई बात नहीं है, ऋषभ हॉस्पिटल में है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। ये सुनते ही अंतरा निढाल होकर बैठ गई। उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर की पूरी ताकत किसी ने खींच ली हो। विक्रांत ने अपनी बात जारी रखी, हालांकि ऋषभ भी बुरी तरह घायल हुआ है, पर डॉक्टर ने भरोसा दिया है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लगता है कि उसे लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगा ही था कि तुम परेशान हो रही होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। अगर वो ठीक है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, विक्रांत ने कहा। कबीर कहाँ है? अंतरा ने जवाब में कहा कि वो उसके साथ ही है और वो लोग एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। विक्रांत ने कहा, मैं ऋषभ के साथ ही हूँ, तुम लोग वापस कबीर के हॉस्पिटल जाओ। वैसे भी ऋषभ मेरा भाई है, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। कबीर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? अंतरा के पास इस सवाल का जवाब था, पर वो बोल नहीं पाई कि मिस्टर शैडो ये सब उसके लिए कर रहा है। विक्रांत ने आगे कहा, अब जल्दी से वापस जाओ और कबीर का ध्यान रखो। ऋषभ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ ही हूं। अंतरा ने ओके बोलकर फोन रख दिया और फिर मिस्टर शैडो ने पूछा, ऋषभ ठीक है ना? अंतरा ने बताया कि वो घायल है और हॉस्पिटल में है, पर खतरे से बाहर है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने चैन की सांस ली। अंतरा ने कहा, विक्रांत ने हमें वापस हॉस्पिटल लौटने के लिए कहा है, आप यू टर्न ले लो। मिस्टर शैडो ने तुरंत गाड़ी नहीं घुमाई, उसके बदले उसने अंतरा से पूछा, पर तुम्हें ऋषभ से मिलना नहीं है? अंतरा दुविधा में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पास जाए या नहीं। मिस्टर शैडो ने कहा, अगर ऋषभ तुम्हारे लिए खास है और तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मिस्टर शैडो ने फैसला अंतरा पर छोड़ दिया, पर ऐसे हालात में अंतरा क्या करती? ऋषभ और मिस्टर शैडो दोनों ही हॉस्पिटल में थे और दोनों को किसी की जरूरत थी जो उनका ख्याल रखे। हालांकि ऋषभ के साथ विक्रांत और उसका पूरा परिवार था, पर मिस्टर शैडो का क्या? वो जिंदल परिवार का बड़ा बेटा था, पर फिलहाल उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ परिवार से कोई नहीं था। अशोक शायद बाहर होगा, इसलिए वो अभी तक मिस्टर शैडो से मिलने नहीं आया था। किरण को तो मिस्टर शैडो से कोई मतलब ही नहीं था। नैतिक और इशिका कहां है ये पता नहीं था। बची सिर्फ दादी, जो कि खुद ही बीमार थी। मिस्टर शैडो के साथ कोई नहीं था, उसे फिलहाल किसी के सहारे की जरूरत थी। आखिर अंतरा ने फैसला लिया और कहा, चलिए वापस आपके वाले हॉस्पिटल चलते हैं। मिस्टर शैडो ने पूछा, तुमने ठीक से सोच लिया ना? अंतरा ने जवाब में कहा, हाँ, ऋषभ जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद मैं उससे मिल लूंगी। वैसे भी उसका पूरा परिवार अभी वहां पर मौजूद होगा, इस वक्त मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मिस्टर शैडो ने ज्यादा कुछ ना पूछते हुए सिर्फ ओके कहकर अगले यू टर्न से गाड़ी मोड़ ली। ऋषभ के एक्सीडेंट की बात आग की तरह फैल गई थी। ये खबर सुनकर किरण की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसने पूछा। कार एक्सीडेंट? वो भी ऋषभ का? 4 साल तक उस आदमी की कोई खबर नहीं थी जिससे ईशिका को शादी करनी थी, और अब खबर आई तो सीधे उसकी एक्सीडेंट की। किरण इस वक्त एक नाइट क्लब के स्टोर रूम में थी। अगर लता ने उसे यहां आने के लिए नहीं कहा होता तो किरण ऐसी जगह पर अपनी जिंदगी में कभी कदम भी नहीं रखती। लता की अब ऐसी हालत हो गई थी कि वो इस नाइट क्लब में साफ सफाई का काम करती थी। उसने हाउस कीपिंग के कपड़े पहन रखे थे। लता ने इतने सालों में कभी भी किरण से दोस्ती नहीं तोड़ी थी, और किरण के स्टेटस की औरतों ने तो उसके साथ कोई रिश्ता रखा ही नहीं था, इसलिए उसके पास भी बातें करने और अपनी भड़ास निकालने के लिए सिर्फ लता ही थी। लता ने अपना फोन किरण के हाथ में दिया। आप खुद ही देख लो किरण जी, ये खबर इंटरनेट पर आ चुकी है। ये वही ऋषभ है जिसने अंतरा के लिए आपकी बेटी को ठुकरा दिया था। अंतरा ने उसे इस तरह अपने पीछे पागल बना दिया था कि उसके मरने के बाद भी ऋषभ आपकी बेटी के पास लौट कर नहीं आया। अंतरा का नाम सुनकर किरण की आंखों में गुस्सा उतर आया। सही कहा तुमने, अंतरा पिछले जन्म में जरूर कोई जादूगरनी रही होगी। अंतरा की मौत के गम में ऋषभ मेरी बेटी के पास तो क्या, उसके खुद के परिवार के पास भी नहीं लौटा। खैर, मुझे ऋषभ और कबीर की बिल्कुल नहीं पड़ी। गुस्सा तो मुझे इस बात पर आता है कि मेरा नैतिक भी उस शातिर अंतरा के पीछे बावला हो गया है। पता नहीं कितने वक्त से वो घर ही नहीं लौटा है। लता ने किरण के जले पर नमक छिड़का। पर आप तो कह रही थी कि वो कहीं घूमने गया है, इतने दिनों में तो इंसान पूरी दुनिया घूम ले। किरण ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। सब बहाने हैं, असली बात यह है कि अंतरा की मौत की खबर सुनकर वो बहुत बेचैन हो गया था। अगर उस वक्त कबीर जलकर हॉस्पिटल में ना पड़ा होता तो वो अपने भाई से लड़ पड़ता। हालांकि किरण को नैतिक पर इस बात का ज्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले उसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि उसे जिंदल परिवार की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए। ये कहने के बाद वो पता नहीं कहां भटकने निकल पड़ा था। इशिका लड़की थी और अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसने नाम कमा लिया था। उसे पहले से अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए अशोक ने पूरा बिजनेस कबीर के नाम कर दिया। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज, थोड़े बहुत शेयर्स और पैसा नैतिक और इशिका को आधा आधा बांट कर दे दिया। हालांकि इन सब चीजों की कीमत फिर भी फिक्स्ड होती है, इसमें बढ़ावा होने के चांसेस बहुत कम है। असली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो बिजनेस ही था जो कि कबीर को दे दिया गया था। इस बात को लेकर किरण को बहुत गुस्सा आया था। किरण अभी भी चाहती थी कि जिंदल ग्रुप का बिजनेस उसके बच्चों के नाम हो जाए, पर उसके पास साजिशें रचने का दिमाग नहीं था। हालांकि ये टैलेंट अभी भी लता में था, और आज उसने किरण को इसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था।